नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। ये डिज़ाइन सामने की तरफ से पड़ता है, तो फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से, तो हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और यदि वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बन लिए। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगले फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। 2 बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया, 2 बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को 2 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। तो सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। लास्ट फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले 4 फंदों को हम खोलेंगे, और अब उनको दूसरी ओर करेंगे। 4 फंदों के बाद जो स्पेस है इसमें हम सिलाई डालेंगे। देखिए, 4 फंदों के बाद जो स्पेस है इसमें सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा ऐसे लूप निकाल लेंगे। अब इन 4 फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो ये हमारा 2 फंदा हो गया। अब वापस हम 4 फंदों के बाद स्पेस में सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, 3 हुआ। फिर इन 4 फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो वापस हमारे 4 के 4 फंदे हो गए। अब इन्हें हम गिरा देंगे। नेक्स्ट 4 फंदों को खोलेंगे, स्पेस में हम सिलाई डालेंगे, लूप लेंगे, फिर इन 4 फंदों के अंदर हम ऐसे सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। वापस हम 4 फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन 4 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो देखिए, 4 का हमने 4 फंदा बना लिया। इन 4 फंदों के बाद स्पेस में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इनके बीच में ऐसे, देखिए फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर वापस इन 4 फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, और फिर इन 4 फंदों के बीच से बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो 4 का 4 हमने वापस फंदे बना लिए। इसी तरह 4-4 फंदे खुलते जाएंगे और 4 फंदों से वापस 4 फंदे बनाते चले जाएंगे। लास्ट में एक फंदा एज स्टिच का बचेगा, तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो गया। 5वीं लाइन में हम फिर सभी फंदे सीधे बनाएंगे, सभी फंदों को हम सीधे बुनते चले जाएंगे। छठी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे।
अब फिर हम इन छह लाइनों को वापस दोहराएंगे, यानी सातवीं लाइन में सभी फंदे सीधे। तो सातवीं लाइन में मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिए, आठवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। अब हम सीधी तरफ से हैं और ये नाइन्थ रो है, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। तो मैंने सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन, लास्ट फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। अब ये दसवां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले चार फंदों को खोलेंगे, बाईं सिलाई में इसे चढ़ाएंगे, उनको दूसरी तरफ कर लेंगे और इन चार फंदों के बाद स्पेस में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चारों फंदों के अंदर से सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। वापस चारों फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, चारों फंदों के भीतर सिलाई डाल के एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमने चार फंदों से चार फंदे कर लिए। नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे, बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इन चारों फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चारों फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, चारों फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चारों फंदों के में सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो चार फंदे से चार फंदे वापस हमने बना लिए। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तो हमने ये दसवां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ग्यारहवें लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। ग्यारहवें लाइन में सभी फंदे सीधे और बारहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, छह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं छह लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते जाना है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। छह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। आप चाहें तो इसे एक रंग में, दो रंग में या फिर मल्टी कलर में बना सकते हैं। ये सब में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।